और अभी बैग एक्सचेंज करना भी भूल गए थे, इनका बैग चला जाता ना, मैं भूल तो गए थे, मैं ले जाता अभी, गाड़ी आ जाती तुम निकल जाते मेरा बैग लेके। ये बैग फिर मैं, ठंड बहुत है आज, ये देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, बहुत कम विजिबिलिटी। मनीष पांडे, ए पांडे जी, अभी भी हमने आग जला रखी है, शाम के 5 बज चुके हैं और मिक्की भाई लेके आए थे चाय, बहुत ही ज़बरदस्त चाय लेके, मज़ा आ गया सच में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आपका डेली व्लॉग में स्वागत है, और सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का मौसम। ये देखिए सुबह के 7 बज रहे और पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है, पूरे बादल हो रहे, काले बादल और बारिश लगी हुई हल्की हल्की। दिसंबर जनवरी में यहाँ पर बिल्कुल भी मौसम ख़राब नहीं हुआ, बारिश वगैरह हुई नहीं, ठंड नहीं पड़ी, लेकिन फरवरी से एक एक मौसम ख़राब हो गया है, देख सकते हो आप, पूरे काले बादल लगे हुए हैं और अंधेरा हो रहा अभी। और आज जो है ना, मेरे को जाना भी है जल्दी, 7 बजे निकलना है और 7 बज चुके हैं, क्योंकि मैडम को जाना है आज चमोली। तो फाइनली दोस्तों, ऐसे मौसम में भी निकलना पड़ रहा है मेरे को, तो ड्यूटी जाना है यहीं पे 2-4 किलोमीटर, लेकिन मैडम को जाना है चमोली। और मौसम देख सकते हो आप, अभी भी अंधेरा अंधेरा हो रहा है और बारिश लगी हुई है कंटिन्यू रात से, अब जाके ठंड यहाँ पे बड़ी। हेलो, इतनी ठंड में जाना पड़ रहा है चमोली तक, तो कुल्फी जम जाएगी, उधर बर्फ़ भी पड़ी होगी, बहुत ठंड लग रही है। चलो चलो, अब मैं निकलता हूँ 7:30 बजे, लेकिन इनके चक्कर में आज मेरे को जल्दी भी निकलना पड़ रहा है, आराम से। ये देखिए पूरा जंगल का रास्ता है, और अभी भी देखो अंधेरा अंधेरा लग रहा है सारा, बादल देखो खतरनाक वाले, बारिश लगी हुई है हल्की हल्की जो है ना, किनमिन किनमिन हो रही है। आए, तो आज बाइक ले जा नहीं सकते ऐसे मौसम में, और जाना तो ज़रूरी है, पर आज इनको भी काफ़ी दूर जाना है चमोली, जोशीमठ की तरफ जाना है इनको, जोशीमठ। तो चलते हैं, ये जो रास्ता है ना दोस्तों, पूरा जंगल का रास्ता देख सकते हो आप चारों तरफ, और इसमें सुबह सुबह निकलना ना अकेले बहुत ही ख़तरनाक है। हम लोगों को तो फिर भी आदत है, लेकिन नया आदमी तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, दिन में भी लोग डरते हैं। ये देखो ये भी निकल जाते हैं अकेले अकेले, और ये हमारा पैदल का रास्ता है मार्केट का, ये देखिए चारों तरफ खतरनाक जंगल। आधे रास्ते में मैं पहुंच चुका हूँ, और बारिश में भी गर्मी हो गई थोड़ी थोड़ी पैदल चलने से। तो कैसे लग रहा है पूरे यहाँ पर, अब तो गर्मी लग रही है चलते चलते। ये देखिए जंगल खतरनाक, तो कुछ भी नहीं दिखाई, और ऊपर से मौसम जैसे अंधेरा अंधेरा हो रहा है ना अभी बादल की वजह से, कि जैसे रात खुली ना हो। ठंड तो हो रही है बहुत ज़्यादा अभी, बड़ी 2 दिन से। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं रोड पर, और जो है ना जंगल का रास्ता जो है समाप्त हो चुका है अब, तो रोड पे आ गए हम, और बारिश हल्की हल्की हो रही है, बिल्कुल कम हो गई है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और मौसम भी देख सकते हो आप खुल नहीं रहा, अंधेरा अंधेरा सा भी हो रहा है, 7:15 बज चुके हैं, जबकि मैडम भी लगी हुई है। अब कैसा लग रहा है, मैंने तो अपना छाता दे दिया इनको। देखिए क्या हो गया, सांस फूल लगी, सांस फूल गई है, सांस फूल गई है इनकी। ये देखिए आ गए, मेरे को जाना बिल्कुल सामने नौगांव खाल मार्केट जो नज़र आ रही है आपको, खैर मैं तो पहुंच जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैडम को काफ़ी दूर जाना है, और आज ना बाइक भी लेके नहीं आए, अच्छा ही क्या, क्योंकि बाइक में तो वैसे हाथ पैर लाल हो रहे हैं, उंगलियां जो है ना सूज के ऐसे लाल हो जा रही उंगलियां, तो बाइक में तो और दिक्कत हो जाएगी। तो आज दोस्तों ना कुल्फी जमने वाली है पूरे दिन, जिस हिसाब से मौसम बना हुआ है, और अगर बर्फ़ गिर दी तो फिर तो 2-4 दिन के लिए बहुत ठंड पड़ जाएगी यहाँ पर, बहुत ही ख़तरनाक मौसम है, हाथ तो रजाई से निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। ये देखिए बर्फ़ तो ज़रूर पड़ेगी अब आज नहीं तो कल पक्का, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ चुका है यहाँ पे, और मौसम देखिए पूरे दिन की बारिश है, सामने दिखाई दे रही जंदा देवी मार्केट, और ऊपर नवाखाल मार्केट है, वहीं मेरे को जाना है, इंटर कॉलेज दिखाई दे रहा है नवाखाल का बिल्कुल सामने जो है ऊपर टॉप में। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं जंदा देवी मार्केट में,
एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, जंदा देवी मंदिर है, फेमस मेला यहाँ पे लगता है, कौथी जिसको बोलते हैं। ये काली मंदिर तीन रोतेली, तो ये है जो है जंदा देवी मंदिर, यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है, जून के महीने में अभी हुआ है, अभी सन्नाटा कोई भी दुकान नहीं खुली है। और मेरे को तो जाना है यहाँ पर नवाखाल, और मैडम को जाना है पार्टी सैन, उसको चमोली जाना है। तो ये आए हम जॉनी भाई के होटल में, और अभी गाड़ी मिली नहीं इनको मैडम को, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चाय वगैरह ले लेते हैं। इतना बड़ा बैग लाद के मैं लाया है इसका, मैडम को देखो कितना बड़ा बैग है, और अभी बैग एक्सचेंज करना भी भूल गए थे, इनका बैग चला जाता ना, मैं भूल तो गए थे, मैं ले जाता अभी गाड़ी आ रही तो निकल जाते मेरा बैग लेके, ये बैग फिर मेरे पास जाता ये वाला। तो हम तो यहाँ से 5 मिनट में पहुँच जाएंगे ओपन खाल, लेकिन मैडम की ना उसको जाना है दूर, उसको गाड़ी नहीं मिलती है, काफ़ी टाइम हो गया, इस टाइम 2-3 गाड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ पे, लेकिन अभी कोई भी गाड़ी यहाँ पे आई नहीं, आधा घंटा हो गया वेट करते हुए, इनको काफ़ी दूर जाना है। देखिए मौसम और ख़राब होता हुआ, बारिश अभी भी लगी हुई है हल्की हल्की, इधर से तो और ज़्यादा कोहरा आ रहा है। देखिए सामने है मरड़ा गांव, ये ऊपर शोली के लिए रास्ता गया हुआ है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी अभी तक तो कोई गाड़ी नहीं आई, तो अब शायद बस ही आ रही है, और लेट हो चुकी है, तो बिठाते हैं इनको, उसके बाद मैं भी चलूँगा। चलो फिर है ना, बस आ चुकी है शायद ऊपर से। तो फाइनली मैं तो पहुंच चुका हूं मार्केट में, और मैडम को मिल गई थी बस, लेकिन उनको काफ़ी दूर जाना है, मौसम काफ़ी ठंडा है। तो हम पहुंच गए मिक्की भाई के पास, और मिक्की भाई ने ना यहाँ पे जला रखी है अगेटी, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जो भी ठंड में आ रहा है यहाँ पे बैठ जा रहा है, हाथ सेक के जा रहे हैं ना। और मिक्की भाई आज काम है नहीं, बहुत बढ़िया साहब, आज तो काम ऐसे रहने वाला है, आज तो काम ऐसे रहने वाला, बारिश लगी है, बारिश लगी है, बर्फ भी पड़ सकती है, बर्फ की संभावना कम है, अभी कम है, इधर ना ऊपर पड़ गई होगी जो सीमेंट की तरफ, जो सीमेंट तो पड़ गई, और दमदेवल की तरफ भी पड़ गई। चलो साहब बहुत बढ़िया काम है, हाथ से एक ने पहुंच गए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है करंट, ये देखिए पूरी अर्थिंग ले रहा है, इतनी तेज चिंगारियाँ निकल रही है, अगर कोई आ गया यहाँ पे ये देखिए संतु भाई ने गाड़ी को सजा रखा है, अभी क्या लगा रखे भाई तूने, गुड्डे गुड्डे, अरे वाह पूरी तारुण माता, हाँ यार जबरदस्त सजा रखी लोंडे ने। हाय फ्रेंड्स, हाय ध्रुव भाई, ये देखिए दोस्तों फिर दोबारा से मौसम ऐसे ही हो गया, सुबह से एक बार बारिश रुक गई थी, और हम लोगों ने यहाँ पे आग जलाई थी, आग भी सेकी काफ़ी देर, तो दोस्तों दोबारा से मौसम ने करवट ले ली है, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं, और दोबारा से बारिश शुरू हो चुकी है, सुबह आने के बाद हमने काफ़ी देर आग वगैरह सेकी, लेकिन अब तो आग भी नहीं जला रखी है, और ठंड बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, हो सकता है आज रात को ही बर्फ़ डालेगा ज़रूर यहाँ पे, तो ठंड और बढ़ जाएगी फिर। तो अभी शाम के 3:30 करीब बज रहे हैं, और मिक्की भाई ने लेके आए हमारे लिए चाय, और हम यहाँ पे आग सेकते हुए चाय पियेंगे। मनीष पांडे, ये पांडे जी, अभी भी हमने आग जला रखी है, शाम के 5 बज चुके हैं, और मिक्की भाई लेके आए थे चाय, बहुत ही ज़बरदस्त चाय लेकर मज़ा आ गया सच में, धन्यवाद सर चाय के लिए। तो फैनी दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:30, और छुट्टी तो हमने कर ली, लेकिन आज बाइक लेके नहीं आया हूँ मैं, तो आज जाना पड़ेगा पैदल, और मौसम बहुत ही खतरनाक होता हुआ, कभी भी बारिश पड़ सकती है, ये देखिए मौसम पूरी बारिश का फिर दोबारा से हो गया, और जाना भी पैदल पड़ेगा, बाइक है नहीं मेरे पास आज, तो चलते। तो अभी मैं पहुँचा आधे रास्ते में, थोड़ा सा नीचे आया मैं नवाखाल मार्केट से, और आपको दिखा सकता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो गया यहाँ पे, ये देखिए पूरा कोहरा कोहरा हो गया, खतरनाक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आज बाइक लेके नहीं आया था, अच्छा ही किया क्योंकि ठंड बहुत है आज, ये देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, बहुत कम विजिबिलिटी। तो जैसे दोस्तों मैं अभी घर पर पहुँचा हूँ, मात्र 2 मिनट होंगे मैंने चेंज किए हैं कपड़े, इतनी देर में बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई, इसके साथ ओले, ये देखिए ओले भी साथ में गिरने लगे, और काफ़ी तेज़ बारिश हो गई शुरू, सही हुआ मैं पहले टाइम से घर पहुंच गया, नहीं तो आज फिर भीग जाता, क्योंकि मेरे पास छाता भी नहीं था, छाता मैं भूल आया था जंदा देवी मार्केट में सुबह, ये देखिए बारिश भी काफ़ी तेज़ है, मौसम तो यहीं पे बन गया था। खैर ये है भूटिया डोक, खतरनाक कैसे देख रहा है,
फाइनली दोस्तों पहुंच गया मैं घर पे, और घर पहुंचते पहुंचते ना बहुत हालत ख़राब हो गया। पूरे दिन ठंड थी, लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे हमने अंगीठी भी जला रखी थी तो हाथ वगैरह सेकते रहे कुछ कुछ देर बाद, तो दिन तो कट गया। लेकिन आते समय मेरे को गाड़ी मिल गई, क्योंकि आज मैं बाइक लेकर नहीं गया हुआ था। तो मैं जैसे ही घर पहुँचा उसके बाद तुरंत बारिश शुरू हो गई, बचाव हो गया, नहीं तो फिर भीग जाता, तबीयत खराब हो जाती। तो वीडियो करते समय तो वीडियो देखते रहे, लाइक शेयर कमेंट करना, अगर आपने हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब।